प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाया जा रहा है, जिसके चलते फरीदाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने इस अभियान के तहत नाकाबंदी कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 5 हथियार और 90 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिनमें 3 देसी कट्टे और 2 पिस्तौल हैं। बता दें कि आरोपी की पलवल बस स्टैंड के पास कपड़े की दुकान है और यह करीब 2-3 साल से पलवल के बदमाशों को हथियार सप्लाई कर रहा था। अब तक की जांच में आरोपी के ऊपर पहले कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं है। ये कलमली क्राइम ब्रांच 85 की टीम ने एक राम बिंदल नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसकी गाड़ी के अंदर से और उसके पास से कुल हमें 5 हथियार मिले हैं, जिनमें से 2 पिस्टल हैं, 3 कट्टे हैं और करीब 90 रौंद भी बरामद हुए हैं। क्या कुछ मकसद था इसका और कहां लेके जाते हैं माल? देखिए, ये पलवल का रहने वाला है और वहाँ पे इसकी कपड़े की दुकान है बस स्टैंड के पास। और इसका जो हमें अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज़ें सामने आई, ये जो पलवल के बदमाश हैं उनको ये वेपन सप्लाई का काम करता है। किस तरीके के हथियार हैं इसके पास? इसके पास पिस्टल भी हैं और कट्टे भी बरामद हुए हैं। क्या पहले भी इस तरीके की वारदातों में? नहीं, ये वारदात में किसी में शामिल नहीं है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई कि ये सिर्फ उनको वेपन सप्लाई करता है, खुद किसी वारदात के अंदर शामिल नहीं रहा है। ये करीब 2-3 साल से इस काम में लगा हुआ है। ये पुलिस का हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी तो यही सेक्टर दो के पास से हमने इसको अरेस्ट किया, इसकी गाड़ी के साथ ही। और ये वेपन जो है यूपी मथुरा के अंदर कोई गांव पड़ता है, वहां से लेके आता है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले का खुलासा कब तक होता है और पुलिस कब तक आरोपी से हथियार की सप्लाई के बारे में जान पाती है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।